दोस्तों, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने परिजनों के साथ बैठे हुए थे। प्रभु श्री राम अपने प्रिय भक्त हनुमान जी की द्वारा की गई सहायता को याद कर भाव विभोर हो रहे थे। वह बोले, हनुमान ने संकट के समय मेरी सहायता की, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैंने विभीषण को लंका का राज्य दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और अंगद को युवराज बनाया। आज मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए हे पवन पुत्र, तुम भी अपना इच्छित वरदान हमसे मांग सकते हो। दोस्तों, हनुमान जी निष्काम भक्ति के साकार रूप थे। उन्होंने प्रभु श्री राम से विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझ पर आपकी असीम कृपा है, अब और मांग कर मैं क्या करूँगा। लेकिन प्रभु श्री राम हनुमान जी को उस दिन कुछ न कुछ देने के लिए आकांक्षी थे। अचानक हनुमान जी ने कहा कि भगवान, आपने सभी को एक एक पद अर्थात चरण दिए हैं, क्या आप भी मुझे एक पद दे सकेंगे। प्रभु श्री राम इस पर कुछ समझ नहीं पाए, फिर भी वह बोले, तुम्हें कौन सा पद चाहिए हनुमान, बोलो। हनुमान जी अपने स्थान से उठे और उन्होंने प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए और हनुमान जी बोले, मैं इन दो पदों की हर क्षण सेवा करना चाहता हूँ। भगवान, मुझे यही वरदान चाहिए। अपने प्रिय भक्त हनुमान जी की ऐसी भक्ति देख प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने श्री हनुमान जी को गले से लगा लिया और उन्हें यह वरदान दिया कि जीवन भर वह उनकी सेवा करते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी जानकारी जब प्रभु श्री राम ने खुश होकर अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को वरदान दिया था। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।